हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सिप्लेक्टिन प्लस सिरप, जिसकी हम संपूर्ण जानकारी हिंदी में देखेंगे। ये क्या काम कर रही है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल डाला गया है, इसको कब लेना चाहिए, किन किन स्थितियों में इसको लेना चाहिए और इसको लेने से हमको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सिप्लेक्टिन प्लस सिरप, सबसे पहले बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको सिप्ला फार्मा के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया और ब्रांडेड कंपनी है। अब बात करते हैं इसके अंदर मॉलिक्यूल के बारे में, यानी कि इसके अंदर कौन सा ड्रग डाला गया है। मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर डाला गया है साइप्रोहेप्टाडिन, हाइड्रोक्लोराइड, ट्राइकोलिन, सिट्रेट, सॉर्बिटॉल सिरप है। ये इसके अंदर मॉलिक्यूल डाला गया है। अब इसकी उपस्थिति देखते हैं। उपस्थिति की बात करें तो इसके अंदर साइप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड की उपस्थिति देखें तो 2 mg में डाला गया है। ट्राइकोलिन सिट्रेट जो कि 275 mg में डाला गया है और सॉर्बिटॉल जो कि 3.575 mg में डाला गया है। अब बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है, इनको किन किन कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग की मुख्यतः बात करें तो यह एक भूख का सिरप है। यदि आपको भूख नहीं लग रही हो, यदि आप कमज़ोरी जैसा महसूस कर रहे हो, यदि आप खाना खाने की इच्छा ही ना हो रही हो, यदि आप ज़्यादा खाना ना खा रहे हो, आप दुबले पतले हो रहे हो दिनों दिन, तब इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और ये भूख लगने का सबसे अच्छा सिरप है और इससे भूख बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज़ोर की भूख लगती है। अब बात करते हैं इस सिरप को लेने का तरीका, यानी कि डोज के बारे में, इसको कैसे लेना चाहिए। इसका डोज देखें तो खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाने से पहले भी ले सकते हैं। यदि आप खाने से पहले लेंगे तो इसका आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। इसका मुख्यतः तो डोज 2 टाइम रहता है, सुबह और शाम। 5 ml सुबह ले लें खाने से पहले और 5 ml शाम को ले लें खाने से आधे घंटे पहले, ताकि क्या है कि आपकी जो भूख है वो उसको और बढ़ा सके और आप अधिक खाना खा सकें और आपको कमज़ोरी महसूस ना हो, ताकि आपको थकावट महसूस ना हो। और इसका डोज जो कि डॉक्टर के द्वारा निर्धारित दिए गए समय और डोज पर ही ले और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस सिरप का उपयोग करें। अब बात करते हैं इस सिरप को लेने से हमको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो अभी तक इतना कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया, और देखें तो जैसे कि नींद आना, गैस होना, एसिडिटी होना, ये इसका नॉर्मल सा सामान्य साइड इफेक्ट है। और यदि इससे ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। अब बात करते हैं इस सिरप का मार्केट में क्या प्राइस है। प्राइस की बात करें तो मैं भी आपके सामने लेकर आया हूँ जो 200 ml का सिरप है, जिसका मार्केट में प्राइस है 123 रुपये, जो मैं हर एक मेडिकल स्टोर पर ही आसानी से मिल जाती है। और ये भूख लगने का बहुत अच्छा सिरप है और भूख के साथ आपको कमज़ोरी हो तो उसको भी दूर करता है। अब बात करते हैं इस सिरप को जब लेते हैं तो अपनी एक्सपायरी देख कर ही इस सिरप का उपयोग करें। यदि आप एक्सपायरी सिरप का उपयोग करते हैं तो इसको भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और ये 10 साल से बड़े किसी को भी चलता है, 10 साल से बड़ा यदि व्यक्ति है तो वो कोई भी इसका ले सकता है। और इसका उपयोग करते समय अपने डॉक्टर की सलाह से अनुसार ही उपयोग करें और डॉक्टर के बताए गए डोज के अनुसार इसका उपयोग करें। चलो दोस्तों, सिप्लेक्टिन प्लस सिरप के बारे में इतना ही काफ़ी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें,